प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 15 मार्च को दूसरे दौर का मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर क्षेत्र में मताधिकार का प्रयोग किया और भाजपा की जीत का दावा किया। यूपी में 67 सीटों के लिए हुए मतदान के दौरान सुबह से ही बूथों पर वोट डालने के लिए लोगों की लाइन लग गई। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कहीं कहीं लोगों ने विकास कार्य नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार भी किया। हम 15 साल से जिन प्रतिनिधियों को बराबर वोट देते चले आ रहे हैं, ना ही तो मेरी कोई सुन रहा है। यही समय मेरा प्रशासन से कहने का है। जब शासन ने नहीं सुना, इसीलिए हम लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है और इसीलिए हमारे साथ जनता जो है ये बहिष्कार कर रही है। जब तक हमारे कोई निराकरण नहीं हो जाएगा, जब तक कोई नेता या कोई प्रशासन अधिकारी नहीं आएगा, तब तक रथिया कुमिया रायपुर के लोग वोट डालने को तैयार नहीं है।